स्वामी ना तालो के ना था तो स्वामी दी इनको दे बारे च गल पे कर दे सुजरे इनको बोली जाती है। और मैं गुजारिश करना डॉक्टर वकार अली शाह साहब से कि वो तशरीफ लियान। जनाब डॉक्टर वकार अली शाह साहब पेशावर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। इन्हों का उनवान है हिंदकोवान क्वेस्ट फॉर आइडेंटिटी। हूँ देखना ये इनको पढ़ते हैं कि अंग्रेजी पढ़ते हैं। बार डॉक्टर साहब देखने डॉक्टर वकार अली शाह साहब मैं गुजारिश करना जनाब मोहतरम खलीद वकार साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ लियान। मेरे मुद्दबाना गुजारिश है उन्होंने। मैं चाहता कि सब लोग क्लैपिंग करो। साढ़े तुर्क से आए मेहमान इन्होंने मैं इन्होंने हिंद को चेयर बनाने का ऐलान किया है। इन्होंने इस मौके देते इस ऐलान से भी इसी तरीके से मेरे जो सिकॉस यूनिवर्सिटी के मालिक हैं उन्होंने मनुखी है कि असी इस चीज़ को साढ़े हो रहे कि सिकॉस यूनिवर्सिटी से भी असी हिंदको अकेडमी हिंदको चेयर बढ़ा दिए तो इंशाल्लाह उससे भी उन्होंने असी मैं समझना कि इन्होंने भी ये सवाल ना असी खुशामदेद कहने इस हवाले में। मैं एक गल कर सा कि देखो जो बंदा खुद ओन कर द वड्डे ओन कर दे वड्डिया से महाराज वो लोग कि जिन्हों को सरमाया ने दिता होंगे सरमाया जी बड़ी बड़ी ताकत है जी। डेडिकेशन भी अपनी जगह सही इश्क भी अपनी जगह सही लेकिन अगर हाथ रुपये ना हो वसायल ना हो तो कम अगे नहीं चलता। ये साढ़े 22 साल का सफर जरा सा किया है। इस 22 साल के सफर इश्क मस्ती तो बहुत ज़्यादा ही लेकिन सरमाया जिस तरह आंदा रही है कम अगे वादा रही है। मैं यकीन कहना उन्हें पिशोरी बड़े तेरिया दिल हैं जितने भी इस टाइम इदारे पिशोर चल रहे पैन वेलफेयर के इदारे। मैं बिल्कुल पूरे वसूख के कह सकना वा कि 90% इदारे पिशोरी पर चलाने ने। मदीना वेलफेयर हो आई फाउंडेशन हो स्तूल और जितने भी इदारे ने जो बेहतरीन इदारे पर चलते हैं वो पिशोरी पर चलाते हैं। पिशोरी पैसा खर्च करने कंजूस नहीं गए कंजूस होकर रहन तो अपनी माँ बोली भी जुबान हो गए वो दाने के कंजूस हो। मैं समझना वा कि इनको आलमी कॉन्फ्रेंस ने उस पिछोड़िया जगा दिता है तो हूँ सारिया कौम इन शाह तला पिछोड़ यूनिवर्सिटियाँ पिछोड़ के दायरे अगे आ सन। देखो साढ़े सूबे दे विच असी मजबूर हाँ मजबूर आया साड़ी जुबान नू अगे नहीं बदल दिता गया लेकिन अजम होवे तो कार की बैठक से जी चीज़ शुरू होती है तो अकेडमी तक पहुँच सकती है। अल्लाह शुक्र है गंदारा इनको अकेडमी शुरू मौजूद है इस टाइम। मैं अपने उन्होंने फैमिली से गुजारिश करना वा मैं अपने ख्वाजा फैमिली से गुजारिश करना वा अपनी सिटी फैमिली से गुजारिश करना वा अपनी अवान फैमिली से गुजारिश करना वा सिद्दीकी फैमिली से गुजारिश करना वा कि अगे वधो इस जुबान ओन करो इस जुबान ओन कर सो तो थोड़ा भी इकबाल अल्लाह बुलंद कर सी यकीन करो वजह उस पंजाब पंजाबी को खतरा नहीं गा इस खातर के सारे पंजाब पंजाबी बोली जाती है मेजॉरिटी बोल दें दूसरी जुबान इस खातर उत्थे जुबान के हवाले को मसला नहीं गा। साढ़े सूबे दे विच जुबान एक बड़ा वड्डा हवाला वे साढ़े इस सूबे दे विच आइडेंटिटी की खातर आइडियालॉजी से पहले जुबान का पूछा जाता है उस आजादी पहचान बनती है। इस खातर सानू भी फिर उसी चीज़ का मुकाबला उस चीज़ के हवाले सानू मुतवर करना चाहिए। इस किसी जुबान ने नफरत की गल नहीं गई अपनी जुबान ने मुहब्बत की गल है। मेरी परखलूस गुजारिश है उन्होंने लोगों से जो इतने बैठे हुए हैं तो जो नहीं बैठे हुए उन्होंने मैं इल्तमास करना कि वो इस तरह सिटी यूनिवर्सिटी जिस तरह सिकास यूनिवर्सिटी जिस तरह हरिपुर यूनिवर्सिटी जिसी तरह बाकी लोगों ने इसी तरह राशिद कुरैशी साहब ने जोड़े एक उन्होंने अपने जाति कार वक्फ कर दिता है कि मैं हजारा हिंद को अकेडमी उन्होंने बढ़ा दी ऐलान कर दिता है। इस तरह सारे लोग अगे वधो इस जुबान को अगे वधाने की खातर जरूरत है सब की सरमाए की जरूरत है जहन की जरूरत है क्यों इस खातर ताकि मैं मुतवर हो सका। मैं हूँ गुजारिश करना खलील तोकार साहब से मैं उन्होंने वादा किया कि तुसी इस सैशन जिस वजीर आला आसन तुसी उस सैशन पाक तुर्क दोस्ती के हवाले इजारे ख्याल करना। मैं माजरत चाहना वा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा दी कि वह बापड़ी बावजूद मसरूफियात सी फर्क नहीं आए इस खातर उन्होंने मुनासिब नहीं समझा
कि ओ इनको कॉन्फ्रेंस शिरकत करो बहसीत चीफ मिनिस्टर, क्योंकि इस चीफ मिनिस्टर सिर्फ एक जुबान के चीफ मिनिस्टर नहीं गए, और मेरी जुबान भी चीफ मिनिस्टर हूँ, मेरा भी हक बनता है। बहरहाल मैं खलील तुकार साहब से इंतहाई अदब के नाल उनसे गुजारिश करना हो कि तशरीफ लियाऊं तो साढ़े इस पाक तुर्क दोस्ती के हवाले नूं तुहाड़े सामने पेश करूँ। जनाब खलील तुकार साहब, मेरे वैसे बड़े एजाज की गल है कि मोहतरम डॉक्टर खलील तुकार ने नज़म मेरे हवाले की है, जिसनों खुद भी पढ़ने खुद रो जाते हैं, बड़ी तवील नज़म है। मैं अल्लाह से दरख्वास्त करना कि वो उन्होंने हौसला देवन कि मैं इस नज़म न पढ़ने दे काबिल रहूँ। पेट काटो आज मिल्लत के शहीदों के लिए, ईद का हक बेच दो आफत रसीदों के लिए, ऐ हिलाले ईद ऐ नूरे निगाह रोज़ादार, ऐ निशाने परचम तौहीद मैं तुझ पे निसार, था बहुत इस्लाम की दुनिया में तेरा इंतज़ार, साल भर के बाद देखा है तुझे ऐ गम गुसार, चुप न रह लिल्लाह के दे क्या खबर लाया है तू, मुसलमों का हाल भी कुछ देख कर आया है तू, हाँ सुने हम भी के टरपोली में क्या किया हो गया, क्या हुआ दरना में बनगाजी में क्या क्या हो गया, इनकलाब ईरान की आबादी में क्या क्या हो गया, मगरब अलक्सा में क्या टर्की में क्या क्या हो गया, कितनी रांडें हो गईं और हो गए कितने शहीद, इस बरस की ईद में कितने यतीमों की है ईद, गासबों की सीना जोरी की तुझे कुछ है खबर, रूस व इटली के मजालिम की ज़रा तफसील कर, गोलियों से छिन गए कितने ज़हीफ़ों के जिगर, दूध पीते कितने बच्चे चढ़ गए संगीन पर, बीबियाँ कितनी लुटी और कितनी बेहुर्मत हुई, बच्चियाँ कितनी रहीं लुक्मे आफत हुई, माओ से कितने वहाँ लखते जिगर छुड़वा दिए, सामने सामने बहनों के भाई किस कदर तड़पा दिए, कितना कितने दुल्हा जालमों ने खून में नहला दिए, किस कदर दुल्हनों को रणसाले वहाँ पहुँचा दिए, कितने बेवारस हुए कितने हुए बेखानमां, कितने बच्चों के लिए सर पीटती हैं बीबियाँ, खून कितनों के बहाए जालमों की फौज ने, किस कदर कैदी बनाए जालमों की फौज ने, नाम कितनों के मिटाए जालमों की फौज ने, खाक में कितने मिलाए जालमों की फौज ने, किस कदर गोले मुसलमानों पे बरसाए गए, घर गरीबों के वहाँ किस कदर ढाए गए, कैसी होगी बरकतुल अलहमरा में मजलूमों की ईद, किस कदर किस तरह कैसे होगी भाइयों के शोक में बहनों की ईद, किस तरह इद्दत में होगी हाय वो उन रांडों की ईद, जिनके शोहर उनके आगे ज़िबा कर डाले गए, जिनके वारिस खाक वो खून में खींच कर डाले गए, तुझको उन आफत जदों की भी खबर है ए हलाल, तख्त मश्क सदम जिनके हुए अहलो हयाल, जिनके घर छीने गए लुट चुका है जिनका माल, आसमां पे देखकर तुझको हुआ क्या उनका हाल, ईद का सामान या बच्चों का अपने गम किया, कितने मुस्लिम नर गए बेकार में हो गए वहाँ,
कितने मुस्लिम कब्ज़े कुफार में होंगे वहाँ, कितने मुस्लिम गोलियों की मार में होंगे वहाँ, कितने मुस्लिम मौत के बाजार में होंगे वहाँ। ज़ख़म खुर्दा आज कितने मर रहे हैं जंग में, एहतमाम ईद कितने कर रहे हैं जंग में, मशहद व तबरेज़ में कल ईद है कितनों के घर। कितनी शहजादियाँ का टुकड़े टुकड़े है जिगर, चूड़ियाँ टूटी हैं कितनी वारसों की लाश पर। जुल्म किया क्या कर चुके हैं रूसियाने बदगहर, हाथ से दुश्मन के कितने बेखता मारे गए, कितने सैयद और कितने पेशवा मारे गए। फांसियों पे आज तक कितनों को लटकाया गया, गोलियों की आग से कितनों को झुलसाया गया। क्यों भला किस बात पर मशहद को लुटवाया गया, रोज़ा मासूम किस इल्ज़ाम पे डाया गया। खाक में क्यों इज्जत इस्लाम मिलवाई गई, किस लिए इस्लामियों पे आग बरसाई गई। जिलजिलों ने कर दिए बर्बाद कितने खानदान, मस्जिदें कितनी गिरी गारत हुए कितने मकान। ये तो कह कितनों की आखिर मिट गए नामो निशान, कर दिए इस हादसे ने किस कदर बेखानमां। कितने मुजराहों के कुल जख्मों को धोया जाएगा, ईद के दिन कितने मासूमों को रोया जाएगा। ऐ हिलाले ईद ऐ इस्लामियों के दिल रुबा, दिल भर आता है हर एक साहिब ईमान का, देख कर तुझको क्या करते थे शुक्राना अदा। ईद का दिन हर खुशी के वास्ते मखसूस था, अब तो आफत देखते हैं देखने वाले तेरे, ये क़यामत देखते हैं देखने वाले तेरे। दुश्मनों ने कितनी जानों का किया है खात्मा, ज़ालमों ने कितनी जानों का किया है खात्मा, जलजलों ने कितनी जानों का किया है खात्मा, इन सबों ने कितनी जानों का किया है खात्मा। किसको रोएं किसको पीटें और किसका गम करें, सुबह होते ईद है किस किस का हम मातम करें। हम मनाएं ईद और प्यारों पे वहाँ छुरियाँ चलीं, हम मनाएं ईद दीनदारों पे वहाँ छुरियाँ चलीं, हम मनाएं ईद बीमारों पे वहाँ छुरियाँ चलीं, हम मनाएं ईद बेचारों पे वहाँ छुरियाँ चलीं। इससे बढ़कर कौन सा रंज वलम का वक्त है, ये खुशी का दिन नहीं इजहार गम का वक्त है। हम यहाँ बच्चों को अपने देख कर होशाद माँ, रोते रोते उनके बच्चों की बंदी हैं अचकियाँ। ईद के दिन हम तो पहने उजली पोशाकें यहाँ, बेकफन पामाल हों लाशें शहीदों की वहाँ। हम यहाँ खाएं पिएं आपस में दिलदारी करें, वो खुदा की राह में मरने की तैयारी करें। इस तरह हो इस बरस सारे मुसलमानों की ईद, इस तरह हो शमह दीन हक के परवानों की ईद, इस तरह हो वादी यसरब के दीवानों की ईद। हो रही है जैसे काबा के नगहबानों की ईद, पेट काटो आज मिल्लत के शहीदों के लिए। ईद का हक भेज दो आफत रसीदों के लिए।